Well deserved. Well, thank you very much. It's a very elite company at the moment. दोस्तों WWE ने हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 के बैक स्टेज के अनसीन मोमेंट को रिलीज किया एक वीडियो के थ्रू, जिसके स्टार्टिंग में पॉल हेमन, ट्रैवल चीफ, रोमन एक्स एंड द अंडरटेकर के साथ दिखाई देते हैं एंड अपने हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करते हैं। ट्रैवल चीफ रोमन एक्स उनके साथ मजाक कर रहे थे। उसके बाद पॉल हेमन अपनी प्रिपरेशन करते हैं एमटी एरिना में, और दोस्तों उसके बाद वो ट्रिपल एच के साथ दिखाई देते हैं जहाँ पर यह दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद ट्रिपल एच बताते हैं कि प्रोफेशनल रेसलिंग में पॉल हेमन ने कितना बड़ा योगदान दिया है एंड फिर उन्हें हॉल ऑफ फेम की एक रिंग पहनाते हैं, कुछ फोटो शूट होता है। उसके बाद फिर हमें स्टेफनी मैकमोन देखने को मिलती है जो कि गले लगते हुए दिखती है पॉल हेमन की, और उसके बाद वो ECW की बात करती है एंड उनकी योगदान की बात करती है प्रोफेशनल रेसलिंग में। उसके बाद पॉल हेमन काफी सारे सुपरस्टार से मिलते हैं जैसे कि लोगन पॉल, एलन नाइट, डेमियन प्रिस्ट और काफी सारे सुपरस्टार होते हैं, और साथ ही साथ वो बैक स्टेज स्टाफ से भी मिलते हैं। और फिर दोस्तों पॉल हेमन पूरे सज धज कर आ जाते हैं और वो अपना इंट्रोडक्शन का वेट करते हैं। इसके बाद फिर ट्रैवल चीफ रोमन एक्स इंट्रोड्यूस करते हैं अपने वाइजमैन पॉल हेमन को। फिर पॉल हेमन जाते हैं रिंग में और फिर रोमन एक्स के साथ गले लगते हुए दिखाई देते हैं और ट्रैवल चीफ रोमन एक्स उन्हें बधाई देते हैं, दौरान उनकी तारीफ करते हैं और साथ ही साथ उनकी स्पीच की भी तारीफ करते हैं। उसके बाद सीएम पंक फाइनली पॉल हेमन के गले लगते हैं और उन्हें बधाई देते हैं हॉल ऑफ फेम क्लास 2024 में शामिल होने के लिए। और उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि जाके सो जाओ क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी। तो दोस्तों सच में WWE ने काफी जबरदस्त मोमेंट को दिखाया है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं WWE के चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।